क्या कह रही हूँ, मॉम बहुत गुस्से में है। हाँ उनकी बात भी सही है, ठीक है मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी, थैंक यू सो मच। लिखा क्या फिर से? हमें फिर से शुरू करना है? अरे माफ करना मिस सेनम, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने सक्सेस पाने के लिए बड़ी लंबी छलांग लगाई है, एक हेल्पर से तुम सीधा स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो, कितनी कमाल की बात है ये सच में। सही है मिस डेरन। तुम चाहती हो कि ना बोलूं? नहीं बात खत्म हो गई है। ठीक है, कस्टमर को स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी लग रही है, ठीक है उसको चेक करके जरा शॉर्ट करके लिख दो, समझ गई तुम? ठीक है लिखती हूँ। और हाँ टाइम और फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? टाइमिंग, यस। ओह जो मैंने कहा वो समझ आया? वेल समझ गई, मैं बताती हूँ, हमको दो वर्ड्स बोलने में एक सेकंड लगता है और हर सेकंड का मतलब पैसा होता है, इसलिए लिखते वक्त जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कस्टमर को महंगा पड़े, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है मैं फाइनल कट ही दिखाऊंगी आपको। जल्दी करना अर्जेंट है, हमको शूटिंग से पहले भेजना है, वो भी अभी। ठीक है मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे। मैंने तुम्हें पिछले 3 महीनों की फाइनेंस रिपोर्ट्स भेजी थी, क्या तुमने देखा उसे? कैसे देखता मैं, वक्त है क्या मेरे पास? शूटिंग और बाकी चीजों की वजह से रह गया मुझसे, और वैसे भी फाइनेंस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। पर मैं पहले की तरह नहीं देख सकता, प्रॉब्लम्स हो गई है, पिछले 3 महीनों में हमारे प्रॉफिट कम हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मेरी समझ में नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। शूटिंग के खर्चे पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं और सेट पे भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हमें और बजट चाहिए, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या करें, मेरे क्या काम छोड़ दे? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, पहले अपने तरीके से काम मत करना इस बार। मेरे तरीके से मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मुझे काम नहीं आता है ना, मेरे पास विजन नहीं है और मैं ऐसे ही बस पैसे लुटा रहा हूँ अपनी कंपनी के, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ भाई तुम चिंता मत करो, पर जब तुम बोर होकर चले जाओगे तो मुझे और डैड को सब संभालना पड़ता है, हम दोनों जानते हैं तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे, तुम्हारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो भाई, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है जाओ, तुम्हारी मीटिंग अटेंड करो। इसे रखूं या ना रखूं, मुझे शुरू से करना होगा, आखिर में लंबी हो रही है, लेकिन स्टोरी के बाहर भी तो नहीं जा सकती, ऐसे तो मतलब ही निकल जाएगा इसका। मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ और उनको सही भी कर रही हूँ। एक हेल्पर का इंटर्न होना बहुत हार्ड होता है। हाँ ये ऐसे, हाँ बस हो गया। सनम? यस मिस आइलैंड। मेरे कमरे में आओ ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जरा बाद में आऊँ क्या, क्योंकि मैं ये सही कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है 5 मिनट के लिए आती हूँ। वेल जॉन ने मुझे ये जगह काम करने के लिए दी है और कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर जॉन ने, अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा, वैसे भी मैं एक हेल्पर हूँ और ऐसी बात है तो मैं मदद जरूर करूँगी। ओह परफेक्ट देन, तुम्हें तो पता है कि यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और तुम सच में बहुत प्रोफेशनल हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या, क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट लिखने में बिजी हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओविडियो वाला ना, मैं ही उसकी कंसल्टेंट हूँ, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी शॉर्ट करने के लिए कहा है, मतलब इस टेक्स्ट को शॉर्ट करना है क्योंकि हमने टाइम लिमिट को पार कर लिया है। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश टेक्स्ट है जो तुम्हें टर्किश में ट्रांसलेट करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ 5 सेकंड का है, मैं देखती हूँ शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले। सच में? हाँ बस 5 सेकंड का है, आओ साथ में चेक कर लेते हैं। साथ में? चेयर यहाँ ले आओ। मैं वहाँ हूँ।
हाँ हाँ बैठो। हम एक साथ ही इसे चेक कर लेते हैं, काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और एडेप्टेशन करना भी हो जाएगा, तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है, एक बात है, जो टर्म्स आप यूज कर रही हैं मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगी, डोंट वरी। हाँ सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ चलो देखते हैं क्या है, दिखा। ठीक है, स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन। हाँ बहुत अच्छी है, इट्स नाइस। जी जी क्या कर रहे हो तुम? मैं इशारा कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ तुम्हें उस खतरे के बारे में पता तो है ही ना, उस औरत ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया। मेरी आत्मा कैसे? बेवकूफ हो क्या? मेरी आत्मा पे कैसे कब्जा करेंगे बताओ, जरा बताओ मुझे। उसने किया है, मैंने कहा ना कि उसने कब्जा किया है। कोई बात नहीं, कोई बात, मैं सब संभालूंगा, अब वो तुम बन गई हो। हाँ मैं बन गई हूँ, कितना बात को बढ़ाओगे, वैसे भी मैं तो इतनी बुरी हूँ भी नहीं, सही में उतनी बुरी भी नहीं है वो, क्योंकि तुम तो इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल हो, अपनी साइड चेंज कर। सही कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है गुलिस। क्या? मेरा खुद पर से भरोसा दूर हो रहा है, मुझे भी लगता है कि मैं भी साइड चेंज कर दूं, अगर वो इस तरह से मुझे देखती रही तो मैं साइड चेंज कर दूंगा, ऐसा लगता है। क्या करूं बताओ मुझे क्या करूं मैं, बताओ मुझे, नसीहत दो। जी जी क्या बोले जा रहे हो, अब तक तो उसने बुलाया भी नहीं है। बुलाएगी मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है खतरा मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैं गया काम से, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तुरंत मुझे हर्बल चाय पीनी चाहिए, तभी रिलैक्स। कहाँ जा रहे हो? जब तक एक कप हर्बल चाय ना पी लूं तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, मैं छिप जाऊंगा ताकि वो देख ना पाए। मैं कहता हूँ तुम भी छिप जाओ। जी 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 मैं हर्बल चाय पीऊंगा, कोई जवाब नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? तो यहाँ हो तुम? आप भी तो है। सच कहूँ तो हर 5 मिनट में तुम्हारी याद आती है। रियली? तो क्या करूँ, रिजाइन करके अपनी शॉप पर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इस काम के काबिल नहीं। ठीक है तो मैं अपनी रोज की सनम पिल लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सनम पिल मेडिसिन? ठीक है, सी यू। ओके बाय बाय। बाय। जी जी सेनेम, कितनी देर से यहाँ हो तुम? बहुत देर से हूँ मैं। तुमने मिस्टर जान को देखा क्या? हाँ, उनको मिस्टर बोलना कब शुरू करेंगे, उनको नाम से बुलाती हो, उन्होंने सेनेम पिल तो ले लिए, देखा? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ हो? यार का विरूम है, भूल चढ़ी हुई है, शेल्स हैं, सालों से फाइल्स जमा है, ऐसी जगह जो एकदम अलग है, काश ये दीवारें बोल पाती। तुम ठीक तो हो ना, ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन बड़े शांत लग रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ मैं शांत हूँ, कुदरत के करीब जाकर आया हूँ, कुदरत बड़ी प्यारी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए, अच्छा हर्बल चाय पिया करो, रिलैक्स रहोगी, वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लवली कपल है। कपल? सनम क्या बात है, क्या बात है, ये धूल घाती प्यारी सी फाइल्स, अच्छा ये प्यारी सी शेल्स, उसके ऊपर रखी फाइल्स और सनम पिल्स। तुमने ये क्या किया? ठीक है मिस्टर जान के पास ले जाओ, उनका साइन लेकर आज ही भेज दो। ठीक है मैम। जे जे कहाँ है? मैं इस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, पता नहीं कहाँ चला गया ये जे जे। जे जे कहाँ थे तुम? क्या हुआ मिस डेरेन, जो भी बात है पहले मुझे बताइए कि मैंने इंटर्नशिप के लिए कहा था, क्या हुआ उस बात का? अच्छा तो ये बात है जीजे, सही है, तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है, ऐसा करते हैं कि आज से, बल्कि अभी से माय डियर डेरेन असिस्टेंट हो, अच्छा लगा टाइटल बताओ, अच्छा है ना?
हाँ टाइटल तो अच्छा है, पसंद आया मुझे। वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ जी जी, तुम्हें सनम के नेबरहुड जाकर वहाँ पर शूटिंग की जगह को चेक करना है, उनको शूटिंग के लिए तैयार करना है, समझे? और फिर मैं ऑफिस से निकलने से पहले कॉल करूँगी। ठीक है माय डियर डेरिन। तुम डेरिन के असिस्टेंट हो। माय डियर जरा ज्यादा हो गया, तो मैं आपको डेरिन बुलाता हूँ। डेरिन सुनने में अच्छा लगता है, लोग होंगे तब मैं मिस डेरिन बुलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम मुझे डेरिन बिल्कुल नहीं बुला सकते। अच्छा सच में ये तरीका है आपका? अच्छा मैं जानता हूँ कि यहाँ इस ऑफिस में कौन किसको क्या बुलाता है, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें असिस्टेंट की जरूरत है, मिस आइलिन है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। वो तो मुझे यूँ ही रख लेंगी, और मुझे आइलिन के कहने पर भी रत्ती भर भी एतराज नहीं होगा, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा मिस। जी जी जैसा तुम हमेशा। वक्त वक्त की बात है, जैसी आपकी मर्जी। जे जे तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? जे जे बेवकूफी की बात करता है, किसने सिखाया ये सब तुम्हें? उस औरत ने ना, वरना तुम कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मिस आइलिन ये रही वो फाइल जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच हनी। कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ मिलकर टैक्स पूरा कर लिया है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मदद चाहिए तुम मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू, आती हूँ। सनम, एमरे को कहीं देखा है क्या? मिस्टर एमरे तो चले गए। ठीक है, तो हम एक मीटिंग में साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, वैसे नुकसान तो उनका ही है। ऐसा लगता है जैसे आपको मिस्टर एमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ सनम, मैं किसी भी बात पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये क्या कह रही है मिस आइलिन? मेरी जगह तुम होती तो समझ पाती सनम, मुझे इस कंपनी से धोखे से हटाया गया। इतना ही नहीं, मेरे फियांसे ने मुझे मिस्टर अजीज के कहने पर छोड़ दिया, वरना आज मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही होती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। जिंदगी ऐसी ही अनजानी बातों से भरी हुई है सनम, लाइफ में ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं। कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? नो थैंक्स, मेरा मूड थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। अगर ये बात हमारे बीच ही रहे तो मुझे खुशी। हाँ ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी ले आऊँ, क्या पिएगी आप? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ गर्म पी लीजिए। ठीक है, एक कप चाय चलेगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जान, एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है, तो बताओ किससे शुरू करो? अच्छी खबर से शुरू करो। जी जी ने कॉल किया था, उसने नेबरहुड के सारे लोगों से बात कर ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर, तो वहाँ सेट बनाना शुरू कर दो तुम। और इसके साथ एक बुरी खबर आई है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है बताओ बताओ। जिन लड़कियों को हमने अरेंज किया था उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया है, तो वो नहीं आ रही है, मतलब उनकी एजेंसी उनको नहीं भेज रही। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन नहीं किया था, और अब मैतिन भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, तो चीजें जरा उलझ गई हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना होगा। मगर कैसे करोगे? मैं कर लूँगा, मेरा अपना तरीका है, मैं कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम सेट पर ध्यान दो। क्या जैसी आपकी मर्जी, और क्या? मिस्टर एमरे, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हाँ, क्या बजट तैयार है? कुछ माइनर एडिशंस करने हैं, वो मैं कर लूंगी, आप इसे चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, देखते हैं। हाँ, एकदम परफेक्ट है। हाँ। अगर ये बजट अप्रूव हुआ तो YRT होल्डिंग हमारी कंपनी का क्लाइंट बन जाएगा। लैला तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। YRT होल्डिंग? आराम से बोलो। मिस्टर एमरे आप सच कह रहे हैं? हाँ, पर ये कॉन्फिडेंशियल है। वाह
आई कांट बिलीव इट। मिस्टर अजीज कितने सालों से इसे ट्राई कर रहे थे, फिर भी उनको ये डील मिल नहीं पा रही थी। हाँ, क्या बोलूँ, ये मेरा अपना स्टाइल और तरीका है। अनबिलीवेबल मिस्टर एम्ब्रे, मैं बहुत खुश हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी, सारी कंपनीज हमें फॉलो करेंगी। ओह माय गॉश, सुनो इसे सीक्रेट रखना। श्योर श्योर मिस्टर एम्ब्रे। चलो मिस्टर एम्ब्रे, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई थिंक आपको इस कंपनी का मैनेजर होना चाहिए। थैंक यू लैला। अच्छा प्रॉमिस याद है ना तुम्हें, हमें बाहर जाना है, चलो दोनों कहीं लंच पर चलते हैं, क्या कहती हो? ऑफ कोर्स, अभी हम अभी चलने वाले हैं। हाँ मैं कार लेकर आता हूँ, तुम मुझे नीचे मिलो। ओके ऑल राइट, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें नीचे मिलता हूँ। पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना। ओके, मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरिन, हमें एडवेंचर चाहिए। ओके, मैंने तुमसे नहीं कहा ना मतलब मिस नहीं। क्या आप जरा शांत रहेगी, लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन, रोमांस मर चुका है, तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है, जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर चान, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आईलीन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या प्रॉब्लम है? चांद, मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आईलीन, क्योंकि जब तुम उसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान, मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा, ट्रस्ट। क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ, तो एडवेंचर हो जाए। आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे कहाँ जा रही हो, मेरे साथ कौन आएगा बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। चलिए चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो, ऑफिस है ना तो चलो काम करो, चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है, तो उसका एक एड बनाना है, टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर, इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी? दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा, देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत, एक तरफ है डेरिन और दूसरी तरफ है एलिन, दिख रहा है ना बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार, चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं, और मुझे अयान के बारे में भी कुछ। नहीं नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं, बात। बिल्कुल नहीं, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। जैसे कि जान को रोमेड और चाय बहुत पसंद है। सनम चुप, ये बातें मत बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, अयान को ये सब पसंद नहीं है। सनम अब ये मेला हाथ आंटी वीडियो कॉल क्यों कर रही है, मेरी मॉम ही हूँ, अब ये मेरे ऐसे पीछे पड़ने वाली है। मैं जाता हूँ वरना वो मेरे कपड़ों को भला बुरा कहेंगी, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसा मेरा कुछ नहीं होगा, दिल टूट जाएगा। हाँ मॉम। सनम मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे बताओ तुमने मिस्टर जान के गाल पर किस किया था? मॉम वो तो ऐसे ही खुश थी तो हो गया वो खुशी में। तो बेटा अगर अपने पापा को किस कर देती वो ज्यादा अच्छा होता। सही कहा, माँ को किस कर देती तो तुमने जाकर अपने बॉस को किस कर दिया। हाँ सही कहा पापा। अरे नहीं, तुमसे ये बातें करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, बहुत गलत बात की है तुमने। मैं सबसे कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, स्मार्ट हो, और ये तुम करती हो, तुमने मिस्टर शान को भी मुश्किल हालात में डाल दिया है। ठीक है मैं फिर से नहीं करूंगी। फिर से मत करना ठीक है, समझे ना? मैंने कहा ना पापा फिर से नहीं करूंगी, अब मुझे काम करने दो। हाँ आती हूँ, मीटिंग में जाना है पापा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मिस्टर एम्ब्रे, ये बायोआरटी की बजट रिपोर्ट है, ये लीजिए। ओह थैंक्स, मेरे बोले बिना तुमने इसे प्रिपेयर कर दिया।
यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये रही दूसरी रिपोर्ट आपके काम की है जो, अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। लैला प्लीज तुम यहाँ मेरे पास बैठो। मैंने नोटिस किया जब से हम डिनर पर गए हैं तब से तुम थोड़ी स्ट्रेस में हो। नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लैला मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, झूठ मत बोलो मुझसे। देखो मैं यहाँ सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर गया था और उन बातों को शेयर किया जो मैंने अपनी फैमिली से भी छुपाई है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन ये बिजनेस है, तुम्हें इसकी आदत डालनी ही होगी। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं। मिस्टर एम्ब्रे मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे इन चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं सच कहूँ तो ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। सुनो लैला तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, बस तुम्हें बिजनेस की बारीकी सीखनी है। तुम्हें हर पहलू को समझना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। ठीक है ना? ठीक है। चलो अब हम अपना काम करते हैं। एक फिस्ट बम दो मुझे तो मैं चलती हूँ, मुझे काम करने हैं। मिस्टर जान आपकी चाय। सनम मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। जान अभी से याद रखूंगी। जान आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल चाय पीते हैं। सही है, आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। मैं भी, मैं तो खुद से बात करती हूँ, अगर कोई सुन लेगा तो उससे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते। क्या हुआ जेजे? अरे ओ माय गॉड, बाहर वो मैं गलती से घुस गया, तो मुझे गलत मैं आता हूँ। ठीक है इसे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलिए अच्छा ऐसा, ठीक है मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जे जे अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। हाँ बोलो। सरेम क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं मिस्टर एम्ब्रे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम नहीं चाहते, सुनकर अजीब लगा। देखो कस्टमर्स को ओवीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए। आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो एक्साइटमेंट। उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है, वो ट्रेंड में नहीं है। मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स हैं, वो लोग रोमांस प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तुम ही बताओ, नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे? तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो बताओ तो। Enough guys, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं। ओके अब
सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए। ओके, एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने। ओह वाओ, देखो 8 वोट्स मिले हैं। और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए? हाथ क्यों नहीं उठा रही? देख क्या रही हो, वोट करो ना। क्या? मैंने सुना नहीं। रोमांस या एडवेंचर, जल्दी से चुनो। ओके, रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं। रोमांस के लिए वोट करो, रोमांस के लिए वोट करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। That's it. हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे, ओके? वेल, इसमें सोचने की क्या बात है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो। रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। अच्छा ठीक है, समझ गई, पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर? अम्यूजमेंट पार्क। द मीटिंग इज ओवर गाइस, मिलते हैं जल्दी। क्या अम्यूजमेंट पार्क? हम कार रेसिंग कर पाएंगे। मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का। गाइस, तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे डैड का कॉल है। ठीक है। हेलो डैड। जेनिम, मुझे तुम्हारी मॉम को एक अच्छा तोहफा देना है, उसके लिए एक पोएम लिखनी है, मेरी मदद कर दो ना बेटा। डैड, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनो सनम, मैं अभी बहुत ही इमोशनल हूँ, मुझे एक अच्छी पोएम लिखनी है, पर मैं एक बुरा लेखक हूँ। मुझे बचपन में पोएम लिखने में 0 मार्क्स मिलते थे। हाँ, मैं बहुत बुरा था पोएम में। डैड, मुझे भी यही प्रॉब्लम था, पर मैं कोशिश करती रहती हूँ। नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो सनम, तुम एक राइटर हो, मेरी मदद करो ना। तुम्हारी तो स्क्रिप्ट को प्राइज भी मिला है और उसकी शूटिंग भी हुई है। मेरी डायरेक्टेड बच्ची हो तुम, राइटिंग में बेस्ट हो, फिर से अपने बारे में ऐसा कभी मत कहना। खुद को डीमोटिवेट बिल्कुल मत करना, समझी ना? ठीक है डैड, आपको कैसी मदद चाहिए? ओ, तुम्हारी मॉम रात के लिए बहुत सारी डिशेस बनाने वाली है और यहाँ मुझे 3 लाइनें लिखने के लिए नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ बताओ ना बेटा, मेरी मदद करो ना बेटा। डैड, खुद पर भरोसा रखिए, आप ये कर पाएंगे। अच्छा सुनो बेटा, तुम मेरी तरफ से कुछ लिख दोगी? मैं, डैड मैं पोएट नहीं हूँ, और वैसे भी वो पोएम आपको लिखनी चाहिए, आपको पता है ना, मॉम कब से उस पोएम का इंतजार कर रही है। और वैसे भी उसमें आपके फीलिंग्स दिखने चाहिए, आपके इमोशंस होने चाहिए, और भला वो पोएम मैं कैसे लिख सकती हूँ? डैड, आप ये कर सकते हैं। तो तुम मेरी मदद नहीं करने वाली? नहीं डैड, देखिए ये एक स्पेशल मोमेंट है, आप बैठिए, रिलैक्स कीजिए और गाना सुनते सुनते कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, रात में खाने के लिए मिलते हैं, अब मैं फोन रखता हूँ बेटा। ठीक है डैड, आप ये कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। हाँ बेटा।